ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद में तेरे। नमस्कार। क्या गांधी परिवार के हट की वजह से राजस्थान में कांग्रेस के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं? सबसे पहले आपको इन नामों पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों। पहला नाम संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, दूसरा नाम सचेतक महेश जोशी, तीसरा नाम आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौर। क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस की अनुशासन समिति ने इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कहा है कि आपको 10 दिन के अंदर जवाब देना पड़ेगा। उनका यह मानना है कि इन्होंने कांग्रेस आला कमान के फरमान की अनदेखी की। कांग्रेस की अनुशासन समिति ने अपने मुंह से कहा नहीं, मगर यह तय है कि कांग्रेस आला कमान इस बात को लेकर नाराज था कि इन लोगों ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने का विरोध किया था। क्योंकि आप जानते हैं कि अशोक गहलोत जो है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने वाले थे। अब ये बताया जा रहा है कि वो 2 कदम पीछे हुए हैं और अगर वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते तो उनकी जगह सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते। मगर जो गहलोत खेमा है वो क्या कह रहा है? गहलोत खेमा ये कह रहा है कि हम उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते जिसकी वजह से आज से 2 साल पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार खत्म हो गई थी। जी हां, आपको याद होगा करीब 22 विधायक गुरुग्राम के एक रिजॉर्ट में जाकर छुप गए थे। उस वक्त केंद्र के मंत्री गजेंद्र सिंह की लगातार बातचीत उन 22 विधायकों के साथ हो रही थी। ये तो अशोक गहलोत का दिमाग और उनकी सोच और उनकी राजनीतिक चतुराई थी जिसके चलते ये नहीं हो पाया। और उसके बावजूद सचिन पायलट जो है उनका रुतबा गांधी परिवार में बदस्तूर जारी रहा। अब ये लोग कह रहे हैं कि अगर सचिन पायलट को बनाया गया मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की सत्ता परात में सौंप दी जाएगी। ये लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर। राजस्थान के मंत्री और अशोक गहलोत के वफादार प्रताप कचरियावास ने कहकर उथल पुथल मचा दी है कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना मतलब राज्य को बीजेपी को सौंपना है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के दिल्ली जाने के बाद सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना राज्य को बीजेपी को सौंपना जैसा होगा। कचरियावास ने संवाददाताओं से कहा कि प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग, CBI अधिकारी राजस्थान में बैठे हैं। भाजपा का खेल शुरू हो गया है। भाजपा फिर से राजस्थान सरकार को गिराने की साजिश में लगी हुई है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी 2 ही दिन पहले भाजपा के जो अध्यक्ष थे उन्होंने एक अहम बयान दिया था कि राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो है माकूल वक्त है। यही नहीं, केंद्र में मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा था कि बाड़ामारी शुरू हो गई है, बाड़ाबंदी शुरू हो गई है। बाड़ाबंदी यानी कि विधायकों को रिजॉर्ट के अंदर डालना और राजनीतिक खेल शुरू करना, यानी कि ऑपरेशन लोटस को लेकर जमीन जो है तैयार हो गई है। मगर बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर गांधी परिवार सचिन पायलट के साथ क्यों खड़ा है, क्या वजह है? क्या गांधी परिवार यह नहीं देख रहा है कि सचिन पायलट वो शख्स हैं जिन्होंने आज से 2 साल पहले लगभग राजस्थान के अंदर कांग्रेस को तोड़ दिया था, लगभग उनकी सरकार गिर गई थी? क्या गांधी परिवार यह नहीं भूला है कि उनके जितने भी करीबी थे जब उन्हें हाथ में सत्ता नहीं मिली, ताकत नहीं मिला, रुतबा नहीं मिला तो इन्होंने पार्टी छोड़ दी? इन चेहरों पर गौर किया जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद, RPN सिंह और जितिन प्रसादा, इनमें से सभी, गुलाम नबी आजाद आज नहीं तो कल सही, सभी बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। और सब में एक और समानता है, सभी गांधी परिवार के बेहद करीबी थे। कायदे से तो इन्होंने गांधी परिवार का राजनीतिक नमक खाया था, मगर बावजूद इसके चले गए। अब सत्ता के गलियारों में यह चर्चा है कि सचिन पायलट को लेकर बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि पार्टी की बड़ी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्हें यह वादा किया है कि वो उन्हें मुख्यमंत्री बनवाकर रहेंगी। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मैं नहीं जानता हूं कि वो खबर सही है या गलत है क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं।
प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद ये बात नहीं की, सचिन पायलट ने खुद ये बात नहीं की, मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। राजनेताओं को वादा किसी दूसरे राजनेता को नहीं करना चाहिए, राजनेताओं को वादा जनता को करना चाहिए और जो जनता है उसको दिए गए वादे को पूरा करना चाहिए, किसी और राजनेता को नहीं देना चाहिए। खासकर एक ऐसे राजनेता को जिसकी राजनीतिक वफादारी पर सवाल जो है खड़े हो जाएं। बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और नाराजगी किस हद तक है उन तीन विधायक मंत्रियों से कांग्रेस के, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सूत्रों का कहना है कि गांधी परिवार गहलोत से उनके वफादारों के विद्रोह को लेकर बेहद नाराज है। गहलोत गुट के तीन विधायकों को आला कमान ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के मामले में एक्शन लेते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, सचेतक महेश जोशी और RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौर को कांग्रेस अनुशासन समिति ने मंगलवार रात को नोटिस जारी किया है। तीनों को 10 दिन में जवाब देने को कहा गया है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इन चेहरों पर गौर कीजिए, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये दोनों नेता राजस्थान गए थे, ये चाहते थे कि विधायकों के साथ वन ऑन वन मीटिंग हो, मगर विधायकों ने इनसे मुलाकात नहीं की। क्यों नहीं की? उस वक्त वो लोग शांति धारीवाल के घर पहुंचे और उसके बाद पहुंच जाते हैं शख्स राजस्थान विधानसभा के स्पीकर CP जोशी के घर और वहां वो लोग अपना इस्तीफा सौंप देते हैं, ये कहते हुए कि अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो इन्हीं 92 विधायकों में से एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। देखिए, जहां तक सचिन पायलट की बात है तो जो चीजें उनके पक्ष में जाती दिखाई देती हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर एक, युवा नेता है। नंबर दो, आज से 5 साल पहले PCC अध्यक्ष थे और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक समुदाय विशेष यानी गुर्जर समुदाय में उनकी जबरदस्त लोकप्रियता है, मगर पिछले 2 सालों में जो घटनाक्रम हुआ है उसके चलते पार्टी के अंदर उनकी साख लगातार गिरती गई। 2 साल पहले जो बगावत की स्थिति हो गई थी उसके चलते अधिकतर विधायक उनसे नाराज हो गए थे, नंबर एक। नंबर दो, हुआ क्या कि वो जो 22 विधायक उनके साथ गए थे ना, आज की तारीख में उन 22 विधायकों में से 6 या 7 अशोक गहलोत के पास आ गए हैं, क्योंकि आपको याद होगा शांति धारीवाल के घर कितने विधायक मौजूद थे, इस नंबर पर नजर डालिए, 92। और कुल कांग्रेस के पास कितने विधायक हैं, 107। यानी कि सचिन पायलट के साथ सिर्फ 15 विधायक हैं। पिछले 1.5-2 सालों में सचिन पायलट को अगर वाकई वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे तो इन विधायकों से बात करनी थी, अपनी जगह बनानी थी, मगर उन्होंने ये सब नहीं किया। मगर बात ये नहीं है, बात कुछ और भी है। बात ये है कि हम लगातार पिछले 2 सालों से देख रहे थे या पिछले 1 साल से देख रहे थे कि राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक तौर पर हालात बिगड़ रहे थे और ये सवालिया निशान सीधे अशोक गहलोत पर था। अगर गांधी परिवार को ये लग रहा था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था तो इसकी जमीन तैयार करनी चाहिए थी ना, दोनों नेताओं को सामने बिठाकर उनसे बात करना चाहिए था। मगर प्रॉब्लम क्या है कि जब आपके जहन में एक राजसी थाट बाट का ताना बाना हो तब आपको लगता है कि हम एक फरमान जारी कर दें और सब उस फरमान को मान लें, सब जो है उसी फरमान के इर्द गिर्द नाचने लगे। ऐसा होता नहीं है राजनीति में। राजनीति में आपको आम सहमति बना के चलना पड़ता है। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई BJP के अंदर भी तो यही होता है, जो बात प्रधानमंत्री कहते हैं या अमित शाह कहते हैं वो सबको माननी पड़ती है। बिल्कुल सही कहा आपने, वहां पर तो और भी बदतर हालत है। वहां पर तो बताइए, JP नड्डा साहब को फिर से अध्यक्ष बना दिया गया, कोई चुनाव नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मगर ये ना भूलें, फर्क क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में और गांधी परिवार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर BJP को अब भी वोट मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में जो सत्ता में आई है BJP, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे के चलते आई है। यानी कि वोट प्रधानमंत्री के नाम पर मिलता है, इसलिए पार्टी उनकी पूरी बात सुनती है। RSS को भी उनके सामने नतमस्तक होना पड़ता है। बड़ा प्रश्न,
क्या गांधी परिवार यह दावा कर सकती है कि सोनिया गांधी के नाम पर, प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम पर या फिर राहुल गांधी के नाम पर पार्टी को वोट्स मिलते हैं? सोनिया गांधी चूंकि उनकी तबीयत खराब रहती है, वो राजनीति में सक्रिय नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा हम उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं, पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? शून्य। राहुल गांधी, मेरा मानना है कि राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, जमीन पर एक्टिव हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं और उनकी भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी की नींव हिल गई है। राहुल गांधी एक प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उसका चुनावी असर क्या होगा वो हमें साल के अंत में पता चलेगा, जब नवंबर दिसंबर में गुजरात में चुनाव होंगे और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा इन दोनों राज्यों के नतीजों पर। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि पिछले कुछ सालों से गांधी परिवार के नाम पर वोट मिलने बंद हो गए हैं, इसलिए जब गांधी परिवार कोई फरमान जारी करता है तो उन्हें इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि यह देश लोकतंत्र है, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा करती है, इसलिए कांग्रेस के अंदर जो भी कुछ होता है उन्हें इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि उन्हें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। यानी कि कल को कांग्रेस का कोई नया अध्यक्ष आए और वो ये कहे कि भाई सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो उस अध्यक्ष को भी पार्टी के तमाम विधायकों से बात करने के बाद ही वो ये फैसला ले सकता है, वो अपना फरमान थोप नहीं सकता है। बड़ा प्रश्न ये कि इस वक्त गांधी परिवार जो अशोक गहलोत से नाराज है या उन तीन विधायकों और मंत्रियों को जो कारण बताओ नोटिस जारी किया है, क्या गांधी परिवार के अहम पर चोट पहुंची है? क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके ईगो को ठेस पहुंचाई गई है? और क्या राजनीति ऐसे चल सकती है? हो सकता है 2014 से पहले चल सकती हो, जब आप सत्ता में थे, जब आपके हाथ में ताकत थी, जब आप रसूखदार थे, मगर आज हालात बदल गए हैं। आज आपके सामने चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को देने की, वो भारतीय जनता पार्टी जो साम दाम दंड भेद से सत्ता में बने रहना चाहती है, वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी सामंती सोच, जिसकी सोच में कई बार अलोकतांत्रिक मूल्यों की बदबू आती है, आपको उस बीजेपी को चुनौती देनी है। मगर अगर आप पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र कायम नहीं करेंगे तो आप ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे? ये तमाम तथ्य हैं और कांग्रेस के समर्थकों की मेरी बात बुरी लगेगी, मगर हम सच बोलते हैं और आज जो मैंने आपके सामने तमाम बातें रखी इनमें से एक भी ऐसी सच्चाई नहीं जिसे आप नकार सकें, और अगर है तो कमेंट सेक्शन में आइए, अपनी राय मेरे सामने रखिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।